और एक और हमारा जो बहुत बड़ा भी मंसूबा है, वो अभी मंसूबा बंदी की हाथ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उस पर भी आप देखेंगे प्रोग्रेस होगा, वो होगी हमारी ग्रेटर चोलिस्तान की जो इलाका है उसके अंदर जो हमारी एक हम नहर प्लान करेंगे। इस वक्त अगर आप पंजाब का नक्शा देखें ना जी, तो सारे पंजाब के अंदर हमारा एक नहरी निज़ाम या आपाशी का निज़ाम हमारा एक मौजूद है। कुछ इलाके जिनमें नहीं अभी तक है, एक ये थल का इलाका है जिसके लिए हमारी ग्रेटर थल कनाल काम करेगी, चोलिस्तान का इलाका है जिसके अंदर ग्रेटर चोलिस्तान कनाल हमारी हम उसके लिए बनाएंगे, और फिर हमारा ये जेहलम के पास का इलाका था जहाँ पर जलालपुर कनाल करेगी, पोठवार का रीजन है जिसके अंदर हम नए छोटे स्मॉल डैम्स बना रहे हैं वहाँ पर वो काम आएगा, कोह सुलेमान का हमारा इलाका है जो डेरा गाजी खान राजनपुर मियांवाली वाला जो इलाका है उसके अंदर भी हम स्मॉल डैम्स बनाएंगे। एक डैम का तो अभी टेंडर्स भी हो गए हैं। डैम बनाना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा लंबा एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, 3 साल का वक्फा उसके लिए बहुत कम है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन हमने उस पर मेहनत करके एक डैम जो है हमारा जो कोह सुलेमान के इलाके में डेरा गाजी खान के इलाके में सौड़ा डैम, वो तो हमारा अभी उसके टेंडर भी हो गए हैं। ददोचा डैम दूसरा पिंडी के शहर का एक क्रॉनिक मसला है पीने के पानी का, उसको एड्रेस करने के लिए ददोचा डैम हमारा एक बन रहा है जिस पर अभी काम हो रहा है बाकायदा, मतलब इट इज़ अंडर वे, वो उसको भी हमने बनाया है अपने उसके लिए। उसके बाद जो है ये तो वो चीज़ें हो गई जो कि ईंट और गारे की चीज़ें हैं, ऐसी भी मतलब है नहरें हैं माजूद, ऐसी भी नहरें हमारी अभी हैं कि हमारे डेरा गाजी खान के इलाके में, राजनपुर के इलाके में, बहावल नगर के इलाके में, बहावलपुर के इलाके में लोगों के अब फ़ोन आते हैं कि वो शुक्रिया के 20-25 साल के बाद उन तक ये पानी पहुंचा है। तो हमने अपने पानी की डिलीवरी भी बेहतर की और एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन हमारी 50% पानी की डिलीवरी बेहतर हुई है। इस पर बहुत सारे लोग आगे से मुझसे कहते हैं कि क्या हर टेल पर पूरा पानी पहुँच रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर टेल पर पानी पूरा पहुंच रहा, इंशाल्लाह वो भी पहुंचेगा, लेकिन जो टेलें ड्राई थी आज उन पे पानी पहुंच रहा है।